Hello students, welcome to my channel Computer Tech World. So today we will continue with the Excel charts. In the previous video I have taught you about column chart, bar chart and pie chart. Now today we will look after the other charts also. See, this is my data and in this video I have told you about the column chart, this is bar chart, this is pie chart. Okay, now let's select the content. First let enter the go to the insert tab, line chart. ये देखिए अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, इसमें डेटा मार्कर्स दिख रहे हैं, इसमें डेटा मार्कर्स नहीं दिख रहे हैं. ये 3D है, इसमें भी डेटा मार्कर्स दिख रहे हैं. तो लेट्स टेक दिस वन. ओके, इसको हम नीचे लेके आते हैं. वन मिनट. सो दिस इज लाइन चार्ट. लाइन चार्ट में ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं, दीज आर डेटा मार्कर्स. देखिए यहाँ पे आप पॉइंट्स में जा रहे हैं तो यहाँ पे सीरीज दिखा रहा है कि ये मार्क्स पॉइंट 19 किसका डेटा मार्कर है. ये जैसे यहाँ पे ये बार्स शो होते हैं, वैसे लाइन चार्ट में ये डेटा मार्कर्स डेटा को शो करते हैं. सो दिस होल लाइन इज नोन एज डेटा सीरीज. ओके, सो नेक्स्ट इज सिलेक्ट दिस. Go to insert, charts, all chart, now area chart. ये देखिए ये आपका area chart है. This is area chart. ये देखिए line chart के बाद में लेके चलते हैं. यहाँ पे basically ये area cover करता है, line में सिर्फ data markers show होते हैं, but एरिया चार्ट में आपका वो एरिया वाइज डिस्प्ले करता है. एज इट्स नेम शोज, जैसे उसका नाम है चार्ट का एरिया चार्ट, वो वैसे ही उसको शो करता है. ये देखिए एरिया चार्ट. लेट मी लेबल इट. एरिया चार्ट. This is line chart. इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर दें. ये देखिए एरिया में ये यहाँ पे ही डेटा मार्कर्स होंगे. ये देखिए दिखा रहा है सीरीज आपको. ये देखिए ये रहा, ये यहाँ जाएंगे तो ये रहा, यहाँ जाएंगे तो ये रहा. ये आपके जो लाइन ये एरिया कवर कर रहा है, ये पूरा आपकी डेटा सीरीज है. ये डेटा मार्कर्स हैं आपके, ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं ये आपकी डेटा मार्कर्स हैं. ये देखिए यहाँ पे जाइए तो ये अलग है. जिसने जितना ज्यादा मार्क्स लिया है उसके हिसाब से वो उसने एरिया कवर किया हुआ है. देखिए सुष्मिता के 89 है, सुष्मिता के 89 मार्क्स हैं. तो यहाँ ये देखिए सुष्मिता, ये रंजना का है, ये सुष्मिता का होगा आई गेस. देखिए क्योंकि उसने ज्यादा मार्क्स हैं इसलिए उसने ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट ये देखिए इसके अदिति के 99 है. तो अदिति के 99 में देखें ये शायद अदिति का होगा, आर्यन का है ये. सही, ये अलग पॉइंट है प्रदीप का और ये अलग पॉइंट है आर्यन का. ये अदिति का है, देखिए सबसे बड़ा जो है वो अदिति का है क्योंकि अदिति ने ये देखिए ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये अदिति का है. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स अदिति के आए इसलिए सबसे ज्यादा एरिया अदिति ने कवर किया है. ये एक अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है और ये अलग पोर्शन है. नेक्स्ट इज स्कैटर चार्ट. ये देखिए स्कैटर के अलग अलग वो भी दिए हुए हैं, जो डेटा मार्कर्स है उनको ज्वाइन भी किया हुआ है. ये सारे स्कैटर चार्ट्स हैं.
देखें ये 3D है, ये 2D है, एक्चुअली इसमें आपको इतना विजुअल क्लियर आएगा ही नहीं, तो लेट्स कैंसिल दिस, डिलीट दी चार्ट। सिलेक्ट करिए, इंसर्ट करिए, गो टू दी ऑल चार्ट्स, लेट्स टेक स्कैटर चार्ट। ये देखिए हम ये ले लेते हैं, जो स्कैटर चार्ट है इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। नाउ स्कैटर चार्ट में ये देखिए ये डेटा मार्कर्स है, ये देखिए दिख रहे हैं आपको, ये आपकी सीरीज है, डेटा सीरीज है, ये देखिए। तो बेसिकली अलग अलग पैटर्न ऑफ चार्ट्स है, जो आपको अपने वर्क के अकॉर्डिंग सही लगे वो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। ओके, स्कैटर चार्ट जो होता है इसमें ये जो कनेक्टेड लाइंस, जो कनेक्टेड पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको कनेक्ट करके चार्ट डिस्प्ले होता है। ये देखिए सारे डेटा सीरीज ये हैं, ये देखिए दिखा रहे पॉइंट्स, जितना ज्यादा ये देखो अदिति का होगा, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक, ये 13 से 23, ये देखिए किसका है ये किसका है, अदिति का होगा ये, देखिए क्योंकि अदिति का इस मार्कर से नीचे जा रहा है, सबसे ज्यादा अदिति का कवर्ड है, इसलिए ये अदिति की सबसे बड़ी लाइन है, एरिया में सबसे बड़ी लाइन ये थी। तो मैं बेसिकली वही प्लॉटिंग है, बस डिजाइनिंग अलग अलग हो गई है, इसमें पॉइंट्स आ गए हैं, इसमें एरिया आ गया है, इसमें ये देखिए लाइन हो गई ये, और ये ऑलमोस्ट सेम है, लाइन एंड स्कैटर चार्ट ऑलमोस्ट सेम है। ओके, बेसिकली स्कैटर चार्ट में जहां तक ये लाइन शो नहीं होती है, सिंपल पॉइंट्स के थ्रू भी हम स्कैटर, जो बेसिकली स्कैटर चार्ट होता है वो जिसमें उसमें लाइन शो नहीं होती है, इसमें आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा चार्ट चार्ट चाहिए। देखिए लेकिन इसमें चार्ट में ये बेसिकली ऐसा रहता है स्कैटर चार्ट, ये वाला। ओ आई हैव नॉट सिलेक्टेड द डेटा एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी, आई हैव सिलेक्टेड नाउ, इंसर्ट, गो टू द रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स, स्कैटर चार्ट, ये देखिए ये है स्कैटर चार्ट बेसिकली, इसमें लाइंस नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड स्कैटर चार्ट। नाउ नेक्स्ट इज स्कैटर चार्ट, नाउ सिलेक्ट, सो दिस इज हेयर आई हैव शोन यू, दिस इज डोनट चार्ट। डोनट चार्ट आपको कहां मिलेगा, फर्स्ट सिलेक्ट द डेटा, देखिए सिलेक्ट द डेटा, गो टू द इंसर्ट टैब, ऑल रिकमेंडेड चार्ट्स, ऑल चार्ट्स, गो टू दी पाई चार्ट, पाई चार्ट में ये देखिए ये रहा आपका डोनट चार्ट, दिस इज कॉल्ड डोनट चार्ट, सॉरी दिस इज कॉल्ड डोनट चार्ट। ओके आई हैव नॉट सिलेक्टेड, वन मिनट, होल आई हैव सिलेक्टेड नाइन, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके ऑल चार्ट्स में दिस इज कॉल्ड डोनट चार्ट, ये देखिए ये आपका डोनट चार्ट, ये इस टाइप का भी डोनट चार्ट, ये देखिए कलर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन सा चार्ट
किसको डिस्प्ले कर रहा है, देखिए किसको डिस्प्ले कर रहा है। स्काई ब्लू कलर जो है रंजना हिंदी का है, ऑरेंज कलर सुष्मिता, सब में डिफरेंस डिफरेंस कलर है। एक टाइप का डोनट चार्ट ये भी है, एंड एक मैंने नीचे भी डिस्प्ले किया हुआ है। ये जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड मूविंग द चार्ट। ओहो, लेट इस कट इट, कट करते हैं। और ये देखिए, ये भी डोनट चार्ट है, इसको एंटर लगाइए यहाँ पे, यहाँ पेस्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डोनट चार्ट, ओके। ये डेटा सीरीज है आपकी, ये जो नंबर कलर्स आप देख रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड डेटा सीरीज। ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दीज आर कॉल्ड डेटा सीरीज। या ये देखिए, एक टाइप का डोनट चार्ट ये भी है, देखिए इसमें ये डेटा सीरीज है आपकी, देखिए। नाउ लास्ट चार्ट इज इंसर्ट 3D सरफेस चार्ट भी होगा इसमें, ये देखिए, जैसे सरफेस चार्ट, 3D सरफेस चार्ट। आई गेस इस डेटा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अच्छा, ये देखिए इसमें लिखा है, सिलेक्ट एटलीस्ट 2 सीरीज ऑफ डेटा। आई हैव ओनली सिलेक्टेड 1 सीरीज ऑफ डेटा, दैट इज वाई, देखिए एक ही सीरीज है मेरे पास अभी, इसलिए द सरफेस चार्ट इज नॉट एबल टू डिस्प्ले, राइट। चलिए पहले अब मैं आपको दिखाती हूँ हाउ टू, व्हाट आर दी चार्ट टूल्स वी विल डिस्कस नाउ, व्हाट आर चार्ट टूल्स। फर्स्ट, हाउ टू चेंज द चार्ट टाइप। अब देखिए, ये है जैसे सपोज ये मेरा डोनट चार्ट है, चार्ट टाइप फॉर्म डिजाइन में जाइए, ये देखिए दिख रहे हैं आपको चार्ट टाइप अलग अलग, ये है मेरे चार्ट टाइप, ये देखिए अलग अलग पैटर्न है मेरा चार्ट टाइप का। सो ये देखिए, ये डेटा सीरीज परसेंटेज भी दिखा रहा है उसमें चार्ट टाइप में, ये देखिए, दिस इज कॉल्ड चार्ट टाइप। शुड आई सिलेक्ट दिस वन, देखिए दिस इज चार्ट टाइप। अब मैं एक और सिलेक्ट करती हूँ, लेट मी सिलेक्ट दिस कॉलम वन, कॉलम सेलेक्ट किया, डिजाइन में गए, यहाँ पे लेआउट भी होंगे आई गेस, ये लेआउट है जैसा आप देखना चाहते हैं अपने चार्ट को, ये पैटर्न है, ये डिजाइन से अलग अलग यहाँ से आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए। और यहाँ से एक बार इंसर्ट में जाएंगे तो चार्ट रिकमेंडेड चार्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे टैम्पलेट्स कॉलम के, ये देखिए ये 3D है, ये देखिए जैसे 3D कॉलम चार्ट, ये देखिए जैसे 3D कॉलम चार्ट। इसमें कोन्स भी आते हैं, मेरे पास टैम्पलेट्स अभी डाउनलोडेड नहीं है, ओके। कोन्स के फॉर्म में भी बार्स आपके डिस्प्ले हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू चेंज द चार्ट स्टाइल। ये जो मैंने चेंज किया ना, दिस इज ओनली कॉल्ड चार्ट स्टाइल। ये मैंने यहाँ पे चार्ट का स्टाइल चेंज किया ना अभी, तो दिस इज कॉल्ड चार्ट स्टाइल। दिस इज चार्ट स्टाइल। यहाँ पे देख लीजिए एक बार और, ये देखिए, गो टू द डिजाइन टैब,
चार्ट स्टाइल्स और भी बहुत सारे हैं, ये देखिए कोई सा भी आप चार्ट स्टाइल हैं, ये सारे कोई सा भी आप चार्ट स्टाइल यहाँ पे पिक कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट है, अब देखिए एक बार एक और चार्ट का मैं दिखा देती हूँ आपको, पाई चार्ट, गो टू द डिजाइन, ये देखिए पाई चार्ट, ये देखिए पाई चार्ट डेटा सीरीज के साथ है, ये देखिए दिस इज पाई चार्ट, थ्री डी में भी है और नीचे करेंगे तो शायद आएगा टू डी में भी, ये सारा थ्री डी व्यू है पाई चार्ट का। और मैं अगर यहाँ से टू डी भी सिलेक्ट करूँगी, ये मेरा पाई चार्ट, ये देखिए टू डी व्यू है, दिस इज टू डी व्यू, दिस इज थ्री डी व्यू, ओके आई हैव सिलेक्टेड द थ्री डी वन। नाउ हाउ टू चेंज द डेटा इन द टेबल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ टू चेंज द डेटा इन द टेबल, इफ आई हैव चेंज सपोज लेट मी इंसर्ट हेयर टोटल स्कोर, फोर फिफ्टी, फोर एट्टी, थ्री ट्वेंटी, वन एट्टी, फोर नाइन्टी, थ्री एट्टी, आउट ऑफ फाइव हंड्रेड टू थर्टी, फोर फिफ्टी, फाइव सिक्सटी, ओके चेक हाउ टू चेंज द डेटा। अगर सपोज आई एम चेंजिंग हेयर द डेटा, सपोज आई एम डूइंग 54, तो यहाँ चार्ट में अपने आप चेंज हो गया, ये देखिए बार लेस हो गया, ये देखिए अगर मैंने यहाँ पे टिया का 89 की जगह 59 कर दिया तो यहाँ अपने आप चेंज होगा, ये देखिए टिया चेंज हो गया यहाँ पे, राइट। सो जैसे जैसे आप टेबल में चेंजेस करते जाएंगे, बिकॉज टेबल एंड दिस चार्ट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, जो आप डेटा यहाँ चेंज करेंगे वो, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया ज्योति से किया पीयूष, यहाँ पे भी नेम चेंज हो जाएगा, ये देखिए ज्योति से पीयूष चेंज हो गया, सब में चेंज हो गया होगा इनफैक्ट, इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, ये देखिए यहाँ पे भी पीयूष चेंज हो गया ज्योति से। सो जैसे आप अपने चार्ट में चेंज करेंगे वैसे ही आपका अपने टेबल पे चेंज करेंगे डेटा, वैसे ही आपके चार्ट में वो डिस्प्ले हो जाएगा। हाउ टू रीसाइज योर डेटा, हाउ टू रीसाइज योर चार्ट, सो सिंपल है, इसको क्लिक किया, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे ये हैंडल्स आ गए हैं, इनको स्ट्रेच कर दीजिए, ये हो गया रीसाइजिंग, वापस से इनको यहाँ पे स्ट्रेच करना है तो नीचे कर दीजिए, स्मॉल हो गया, तो जैसा आपको चाहिए वैसे आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। ओके ये देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है चार्ट स्टाइल्स का, देखिए यहाँ आप ये देखिए अलग अलग चार्ट स्टाइल्स आ रहे हैं, यहाँ आप इनको डोनट चार्ट के हैं अलग अलग, इनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स भी अलग अलग आ रहे हैं, देखिए आप अपने पैटर्न्स के थ्रू ये देखिए आप कर सकते हैं, ये देखिए कॉम्बिनेशंस अलग से दिए हुए हैं चार्ट के, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल में जाएंगे तो आई गेस सिंपल वन वाज ओके, ये डेटा सीरीज दिख रहे हैं, परसेंटेज दिख रहे हैं इसमें, ओके नाउ आई गेस वील डन विद द चार्ट्स, नथिंग इज लेफ्ट इन द चार्ट पार्ट। एक बार मैं डिजाइन का ओवरव्यू और फॉर्मेट का ओवरव्यू आपको करवा देती हूँ, ये देखिए सिलेक्ट करिए अपने चार्ट को, फॉर्मेट में जाइए, देखिए अलग अलग पैटर्न्स हैं, ये देखिए
देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है आपका, ये शेप फिल पिक्चर भी डाल सकते हैं आप, फॉर्मेट शेप आउटलाइन फॉर्मेट, देखिए फॉरवर्ड है, ब्रिंग फॉरवर्ड और ये ब्रिंग बैकवर्ड, फॉर्मेट में जाइए, ये आउटलाइंस है, देखिए आपके डेटा लेबल्स के लिए और सिलेक्ट ब्लैक, यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, शेप इफेक्ट्स हैं ये चार, दीज आर व्हाट डेटा टेबल, एंड ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में जाइए, ये देखिए ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सेस टाइटल, डेटा लेबल्स, डेटा कॉल आउट, ग्रिड लाइंस, ये देखिए हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकल चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए, डेप्थ में चाहिए, नीचे देखिए डेप्थ में आ रही है, गो टू द डिज़ाइन, चार्ट एलिमेंट, ग्रिड लाइंस, डेप्थ में मेजर चाहिए या माइनर चाहिए, ये देखिए चेंजेस हो रहे हैं, डेटा लेबल्स नहीं, नन कर दूंगी तो नहीं आएंगे, कर दूंगी तो आएंगे, लेजेंड्स राइट में, टॉप में, लेफ्ट में मार्क्स आ रहे हैं, बॉटम में देखिए ये चेंज हो गया लेजेंड पॉइंट। चलिए लेट्स एंड विद दिस हेयर, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो। Save it. Don't forget to save your data, right?